नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल आज आपके सामने बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि सीटी का एग्ज़ाम अभी आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि कल उसका नोटिफिकेशन भी आ गया था। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आप एकलव्य बैच आप एग्जामपुर ऑफिशियल से ऐप से अभी ले सकते हो यार, बिल्कुल डाउनलोड करें ऐप को। न्यूज़ ये है कि आप पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते होंगे, तो 7 मई की जब हम बात करते हैं तो उनका जन्म दिवस है, तो आज उनको हम याद कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हम करें तो उनको ज़्यादा जाना जाता है किसके लिए, उनके साहित्य में काम करने के लिए। लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, बंगाली साहित्य में उन्होंने काम किया है। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूं तो गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको जाना जाता है, जिनके लिए 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हो, और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिनको कोई भी नोबेल पुरस्कार मिला हो। इनकी अन्य रचनाएँ जनगण मन और उमार चुनार बांग्ला जो है, उन ये रचनाएँ भी इन्हीं की से संबंधित मानी जाती हैं। जब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करता हूँ तो इन्होंने जो है कलकत्ता से इनका संबंध मानते हैं, डेफिनेटली आप उस टाइम की राजधानी होती थी। और इन्होंने शांति निकेतन के जब हम बात करेंगे तो देवेंद्रनाथ ठाकुर का जिससे संबंध माना जाता है 1863 में, 1901 में इन्होंने वहाँ पर एक स्कूल की स्थापना करी विश्व भारती के नाम से, और बाद में 1921 में वो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया, और आज भी वो विश्व भारती विश्वविद्यालय में जो है बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी शुरुआत करने का श्रेय माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो जी को आजाद पंचम के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर को चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और भाई जो यदि कैसे ये क्लासेस कैसी होती हैं, ये छोटे छोटे वीडियोज़ कैसे होते हैं, तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।